हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इन्वेस्टिगेशन। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, PSU है, पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पे से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए, जहाँ पे आपकी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका अप टू 5 ईयर्स रहेगा। 5 साल तक आपकी यहाँ पे नौकरी रहेगी, उसके बाद अगर एक दिन का ब्रेक देके होगा तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वरना अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन जॉब काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। हम सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो वैकेंसी हमारे लिए है, दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर CSR। जिनको नहीं पता है CSR क्या होता है, CSR इज़ बेसिकली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपने टर्नओवर का, अपने प्रॉफिट का 2% वेलफेयर में इन्वेस्ट करता है। अब वो चाहे कैसे भी कर सकता है, चाहे एडुकेशन पे कर सकता है, चाहे कोई पब्लिक प्लेस बनवा सकता है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट में कर सकता है। उस चीज़ को हम लोग CSR कहते हैं। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। आपको बेसिकली CSR प्रोजेक्ट्स देखने होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जहाँ पे BE BTech इन इलेक्ट्रिकल और सिविल स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास CSR वर्किंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। इसी के अलावा एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन, IT, प्रोक्योरमेंट बाइंडिंग इज डिजायरेबल। तो अगर आपने इन सब में काम कर रखा है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। बाकी जो आपका डिस्क्रिप्शन है, तो आपको जो बेसिकली जो CSR प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में देखना होगा। इवेलुएटिंग द प्रोजेक्ट्स प्रपोजल रिसीव्ड बाय CSR यूनिट एंड बाइंडिंग इंटीग्रिटी अबाउट द प्रोजेक्ट बाय बीइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो बेसिकली जो CSR का काम आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आई थिंक आप सबको CSR समझ में आ गया होगा। अपने डाबर का जो स्कीम है 2% शिक्षा वाली, वो भी सुना होगा, वो सब भी CSR के अंडर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन पोस्ट है कोऑर्डिनेटर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस। फिर अगेन कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, फिर ठीक है। और बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे लिख के आ रही हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एज यहाँ पे आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 60 रखी गई है। जो आपकी पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल, जैसे मैंने आपको बताया, FTC के टर्म में रहेगी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर्स का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है। सैलरी स्टार्टिंग लेवल पे आपको 65,000 मिल जाएगी अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो सैलरी 90,000, और अगर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो सैलरी काफ़ी शानदार 1,25,000 यहाँ पे आपको मिल जाएगी। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हर डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जो आपकी एक्सपीरियंस है और जो मार्क्स हैं, वो अप टू 7/3/2024 तक ही गिना जाएगा। इसके अलावा आपको मेडिकली फिट भी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और बाकी इसकी फ़ी की बात कर लेते हैं, तो फीस इसकी यहाँ पे 500 रुपीज़ रखी गई है, प्लस टैक्सेस जो भी होंगे आपको देना पड़ेगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। इसकी जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो गया है, इसका जो लास्ट डेट है 7 मार्च तक आपको अपना फॉर्म भर देना है। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो लोग चाहते हैं विजिट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी आप सबको मिल जाएगा, जो लोग चाहते हैं सुन एज पॉसिबल ज़रूर अप्लाई करें। बाकी सारी जानकारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।